दुर्गा ये कुकी, ओ माय गॉड क्या हुआ इसके पैर को, चोट कैसे लगी? क्या हुआ अनिशुगा, तू चिल्ला रहा है नहीं? हे माँ, माताजी कुकी, ये क्या हुआ नहीं तुझे? मम्मी प्लीज चिल्लाओ मत। कुछ भी नहीं हुआ, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। उससे पहले मैं कुकी को उसके रूम में लेके जाऊंगा और आप लोग डॉक्टर को कॉल करो अभी के अभी। OMG जेके ओपा, क्या हुआ है तुम्हारे पैर को? ओ माय गॉड, खून निकल रहा है ओपा। मैं रूम में जा रहा हूँ मम्मी जेके को लेके, आप डॉक्टर को कॉल करो जल्दी, कुछ ज्यादा ही खून निकल रहा है कुकी के पैर से। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से लेके जाओ जेके को, मैं जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। कैसे हुआ ये कुकी, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना तेरा? और कहाँ चोट लगी है दिखाने जरा मुझे। कुकी, माय गॉड, ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? और तुम हंस क्यों रहे हो वो भी ऐसी हालत में रोते हुए? बहुत अजीब सी बीमारी लगती है ये मुझे, भला हंसते हुए कौन रोता है आजकल? ए झुमरी तलैया, बस करने भाई, अभी मजाक का वक्त नहीं है ने। हो बिया, चुपचाप रहने तू। शुगा अब बताओ, इतनी चोट कैसे आई जंकू के पैर में? वो जंकू का एक्सीडेंट हो गया था कार से, तो वो आप चिंता मत करो, डॉक्टर ने चेक कर लिया है, शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं आई, बस पैर में थोड़ी सी लगी है। तुम्हारा ध्यान कहाँ था जंकू? देखो अब चोट लग गई ना, और खून भी बहुत निकल गया होगा शायद से। मैंने डॉक्टर को बुला लिया था, अब डॉक्टर आ गए, चेक कर लो। अरे रुको रुको सर, रुको रुको, मुझे चेक करने दो जल्दी से, क्या हो रहा है? डॉक्टर धीरे से, मेरे पैर को थोड़ा दर्द हो रहा है। ए डॉक्टर, जरा आराम से भाई ला, मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है ना, जरा आराम से ठीक करने उसको। जंकू कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है क्या तुम्हारे पैर में? जिमिन ये चोट कुछ भी नहीं है उस चोट के आगे। कौन सी चोट जेके, क्या बात कर रहा है तू? वो कुछ नहीं पापा, वो उसको वो होश में नहीं होगा ना, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा दर्द होगा, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। धीरे से डॉक्टर जी के ओपा, ज्यादा पेन हो रहा है क्या तुम्हारे पैर में? मैंने कहा ना कि उस दर्द के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। तेरे बहू कहाँ है ना जिमिना बहू? हाँ मम्मी जी रुको, मैं अभी उसको बुला के लाती हूँ, वो अपने रूम में ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की जिमी, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं ओप्पा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी यहाँ पे। ललिता तुम्हें सुनाई नहीं दिया जंकुक ने क्या कहा? उसको अकेला रहना है यहाँ पे, तो तुम जाओ यहाँ से। तुम तो प्लीज रहने ही दो, तुम जाओ अपने बहन के पास। लीजा मैंने कहा ना तुम्हें जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ में नहीं आता था? एक बार कितनी बार बतानी पड़ेंगी? ओ ओ ओप्पा, ठीक है जाती हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है ना कुकी, हम सब जाते हैं, तू आराम कर। शुगा ये हुआ कैसे? पर जिमिना हो बिया, मैं उसको नहीं के रात भर ढूंढ रहा था, और उसकी कार मिली तो मिली कहाँ पे पता है? सिटी के बाहर। फिर मैंने उसकी कार में झांक के देखा तो मुझे क्या पता चला कुकी बेहोश था, और फिर मैंने उसको वहां से निकाला, और उसको ज्यादा चोट नहीं आई थी लेकिन उसके पैर को चोट आई थी। फिर मैंने उसको जगाया और मेरे कार में बिठाया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसके पैर से इतना खून निकल रहा था, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो देखकर मुझे डर लगा, उसकी वैसी हालत देखकर मैं तो परेशान हो गया। भले ही उसकी चोट वो 5-6 दिन में ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो उसके दिल पे गहरा घाव पहुंचा है ना, वो उसको कभी भूल नहीं पाएगा। मेरा कुकी बहुत हर्ट है जिमिना, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, अब मैं क्या करूँ उसके लिए? बहुत हो गया, अब पता करना ही पड़ेगा आखिर मामला क्या है। मुझे ना मुसीबत की जड़ ये ललिता ही लग रही है, क्योंकि वो जब से आई है घर में तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तुम सही बोल रही हो जिमिना भाभी, उस चुड़ैल पे हमको नजर रखनी पड़ेगी अब से, उसकी हर एक हरकत पे हमको नजर रखनी पड़ेगी।
और टाइकुक को हमें फिर से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन दोनों को और हर्ट होते हुए नहीं देख सकता जिमिना। हाँ क्यों नहीं शुगा, तो शुरू करते हैं आज से हमारा मिशन। मिशन कैसा? मिशन मिशन कैसा? बताती हूँ। हाँ मिशन, पहला मिशन टाइकुक को मिलाना, और दूसरा मिशन ये जो कुछ भी हो रहा है इसको हमें समझना होगा पहले। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कैसे हो रहा है, इन सब बातों पे हमें गौर से सोचना चाहिए। क्योंकि जंगकुक और ताई ने कहा कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे ताई प्रेग्नेंट हो जाए, पर देखा जाए तो हॉस्पिटल की रिपोर्ट तो कुछ और ही बताती है। हाँ, और लीजा का हॉस्पिटल आना और डॉक्टर के केबिन में जाना काफी है इतना मेरे ख्याल से लीजा को टारगेट करने के लिए। हाँ बिल्कुल होबिया, सही दिमाग लगाया है तुमने, तो मिशन स्टार्ट करते हैं। पर अगर बाय चांस टाइकुक के बीच में वो सब हुआ हो और वो हमको बताने से डर रहे हो, ऐसा हुआ होगा तो? नहीं, मुझे नहीं लगता जेहोप कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि साफ साफ उनके आंखों में नजर ही आता है कि वो दोनों कितने हर्ट हुए हैं। अगर ललिता ने कुछ भी किया होगा ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है हम सब लोग बाद में प्लान बनाएंगे, लेकिन उसके पहले मुझे ताई के रूम में जाना है और ताई को बताना है कि कुकी वापस आ गया है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए। अगर हमने नहीं भी बताया ना तो उसको पता चल ही जाएगा, और वैसे भी बेचारी मेरी बहन उसका कब से इंतजार कर रही है, तो मैं उसको बताने जा रही हूँ अभी। ठीक है जिमिना भाभी, आप जैसा चाहो। ठीक है जिमिना, ताई को संभाल लेना, और हो सके तो कुकी के रूम में ताई के साथ तुम भी जाना, क्योंकि कुकी का दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है। ठीक है शुगा, मैं समझ गई। ताई ताई क्या कर रही है तू? ओ सोके है क्या? कौन है? जिमिनी, तू क्या कर रही है इस वक्त, क्या हुआ? ताई वो कुकी आ गया है, पर वो क्या, थैंक गॉड वो कुकी आ गया है, चलो चलो मुझे जल्दी जाना है उसके पास। ताई प्लीज मत जा तू अभी। क्या हुआ जिमिना अभी, क्यों ना जाऊँ मैं उसके पास? मुझे सब कुछ क्लियर कर दे उससे, मुझे जाना है जिमिना। ताई वो एक्चुअली ना कुकी का कल रात छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके पैर में थोड़ी चोट आ गई है। क्या चोट आई है, और तुम मुझे अब बता रही हो और मुझे जाने से भी रोक रही हो? क्यों जिमिना, कैसे चोट आई उसके पैर में, कैसे ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया जिमिना उसका? ताई प्लीज रो मत, प्लीज प्लीज सब ठीक हो जाएगा प्लीज। मेरे कुकी ये सब मेरी वजह से हो रहा है कुकी। हाँ ताई तुम यहाँ पे? कैसे हुआ ये कुकी, कैसे हुआ ये? ताई तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ भी बात नहीं करनी। I'm sorry कुकी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब। चुप करो अपना बकवास, मैं कितनी बार तुम्हें कहूँ चले जाओ यहाँ से। कुकी ये क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम इतना? जैसे कि सब गलती मेरे ताई की है और सब कुछ ताई की वजह से हो रहा है। वो तो मुझे भी पता है कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। प्लीज जिमिना इसको यहाँ से लेके जाओ, मुझे किसी के साथ भी कुछ भी बात नहीं करनी, प्लीज जाओ तुम यहाँ से। ताई नहीं 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 प्लीज मत रो, प्लीज हमें यहाँ से जाना चाहिए, चलो फिलहाल के लिए। ठीक है जिमिना जाती हूँ मैं कुकी, अगर कुछ भी लगा तो प्लीज मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी। जाओ ताई, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, जाओ प्लीज चली जाओ। ताई प्लीज रुको मैं आ रही हूँ। ताई प्लीज रो मत, प्लीज प्लीज सब कुछ ठीक हो जाएगा प्लीज। मैं क्या करूँ जिमिना, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुकी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। सब कुछ ठीक है, तुम आओ मेरे साथ चलो। आ गई नहीं तू है? क्या हुआ ना तुझे, रो क्यों रही है? कुछ नहीं हुआ मम्मी जी, वो एक्चुअली कुकी की चोट देखकर ताई को बहुत रोना आ रहा था, इसलिए मैं इसको इधर लेके आई। अरे ताया मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज तुम मत रो ना ताया भाभी। ताई बहू अब सब ठीक है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बेबी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है रोना बंद करो प्लीज। हाँ नहीं यार सही बोल रहा है, नहीं ज्यादा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा ना जल्दी। वैसे मुझे कुछ बताना है तुम सबको, वो क्या है ना छमची का शूट है अभी अमेरिका में, तो कल हम दोनों को जाना पड़ेगा अर्जेंट में, और वैसे भी मैं छमची को अकेला नहीं छोड़ सकता उसके स्टाफ मेंबर के साथ, तो मुझे भी जाना पड़ेगा अमेरिका उसके साथ। हाँ
ने, और वैसे भी मुझे इतना कुछ पता भी नहीं है ने अमेरिका के बारे में, तो आरएम रहेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा ने। ओ अमेरिका जा रही हूँ मम्मी, ऐसे ही बोलती है ना वो, चिपकली ले ली जा, यहाँ पे रोक झाड़ने से अच्छा तू एक्टिंग करने क्यों नहीं जाता है भाई। वैसे अच्छा ही होगा अगर मम्मी जी अमेरिका जाएंगे तो पापा के साथ, क्योंकि लीजा पे नजर रखना इजी जाएगा। हाँ हाँ यही सही है। वैसे मम्मी जी आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो अमेरिका? एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं ने हम लोग बहू, अभी अभी आली लंदन का कॉल आया था ने, तो जाना तो पड़ेगा ही ने बहू, पर मेरे कुकी का कैसे करूँ मैं, उसकी हालत तो ऐसे है कि अब मैं जाऊँ कि नहीं सोच में पड़ गई हूँ। आप दोनों जाओ मम्मी बेफिकर होके, हम सब है कुकी के साथ यहाँ पे, प्लीज आप टेंशन मत लो उसका। हाँ ने मेरा समझदार शुगा। शुगा मैं क्या बोल रही हूँ ने, वो तेरी झिंगुली बिल्ली है ना, मैं उसको लेके जाऊँ क्या मेरे साथ? वो क्या है ने, थोड़ी फ्लैश मारूंगी ने सबके सामने उसको पकड़ के, झिंगुली को पकड़ के, क्योंकि आजकल का फैशन है ने कुत्ते बिल्लियों को पकड़ पकड़ के फ्लैश मारने का ने। मेरा बस चले तो सब शुगा के बिल्लियों को आग लगा दूं, और स्पेशली इस झिंगुली को। तुमने कुछ कहा है क्या हो भी अभी? अरे नहीं 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 शुगा, मैं भला क्या कहूँगा तुम्हारे प्यारे बिल्लियों को है ना। वो मैं बोल रहा था कि जीबना भाभी आप ताया को रूम में क्यों नहीं ले जाते आराम करने के लिए है ना? चलो ताया हम लोग रूम में जाते हैं ठीक है। हाँ ठीक है जीबना, चलो चलते हैं रूम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।